और उस पानी को अपने सामने रख लीजिए। बहुत बढ़िया, जस्ट बी रिलैक्स, बी काम। आवाज तेज कर दो थोड़ी सी। अपने दोनों हाथ घुटनों पर रख लेंगे ऊपर की तरफ देखते हुए, और कोई आसन नहीं बनाना है, कोई मुद्रा नहीं बनानी है, जस्ट बी रिलैक्स और इनको अपने घुटनों पर रख लेंगे। आंखों को बंद कर लेंगे सांस अंदर सांस बाहर, धीरे धीरे सांस अंदर जा रही है सांस बाहर आ रही है। उस पर पूरा ध्यान। Be relaxed, just be relaxed. जब मैं बोलूंगा कि लंबा गहरा सांस अंदर भरें, इनहेल करें, इनहेल सुनते ही जोर से सांस अंदर लेंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी के तले पर उसको स्पर्श कराने की, उसको चोट देने की कोशिश करेंगे। और जब मैं बोलूंगा होल्ड, उसको होल्ड करेंगे, और जब मैं बोलूंगा एक्सहेल तो उतने ही जोर से मुंह से उस सांस को बाहर निकालेंगे। सांस अंदर इनहेल, होल्ड 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 होल्ड, एक्सहेल। सांस अंदर इनहेल, होल्ड 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 होल्ड, एक्सहेल। फिर से एक बार सांस अंदर, एक्सहेल। दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे ऊपर की तरफ देखते हुए। सांस जब अंदर जा रही हो तब आपने ये महसूस करना है कि वो रीढ़ की हड्डी के तले पर चोट करे, और जब बाहर निकल रही हो तो सारे प्रेशर, जैसे शरीर की सारी ऊर्जा बाहर चली जाती हो। एक बार फिर से सांस अंदर भरेंगे, इनहेल, होल्ड 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 होल्ड, एक्सहेल। फिर से सांस अंदर, होल्ड 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 होल्ड, एक्सहेल। सारा ध्यान अपने पैरों पर लेकर गए, पैरों में अंगूठों पर, उंगलियों पर सारा ध्यान लेकर गए। बिल्कुल रिलैक्स हैं आपके अंगूठे उंगलियां पैरों के, पैर बिल्कुल रिलैक्स्ड, वहां की सारी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड, स्टिल काम। पैर पर ध्यान, पैर बिल्कुल रिलैक्स्ड है,
कोई पेन नहीं, कोई तनाव नहीं, आराम की अवस्था में पिंडलियों पर ध्यान लेकर गए। पिंडलियां बिल्कुल रिलैक्स, ताफ मसल बिल्कुल रिलैक्स, आराम की अवस्था में उसके अंदर जो खून बह रहा है, जो नसें हैं, जो हड्डी है, जो मांस है, सब बिल्कुल रिलैक्स्ड है, स्थिर है, आराम की अवस्था में है। थाइस पर ध्यान, थाइस बिल्कुल रिलैक्स्ड, काम, स्थिर। एब्डोमेन पर, पेट पर ध्यान, पेट बिल्कुल रिलैक्स्ड, पेट के अंदर सारे ऑर्गन्स बिल्कुल रिलैक्स्ड, खून बिल्कुल रिलैक्स्ड, नसें बिल्कुल रिलैक्स्ड, काम, स्थिर। चेस्ट पर ध्यान, आराम की अवस्था में। शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स्ड, हाथ बिल्कुल रिलैक्स्ड, आपका गला, नाक, कान, मुंह, आंख, सारी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स्ड और स्थिर। सारा ध्यान अपने दिल पर लेकर जाते हुए दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश करेंगे, उनमें हो रही कंपन को सुनने की कोशिश करेंगे, महसूस करेंगे जहां पर उसकी वाइब्रेशंस हो रही हैं, उनको उनको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे शरीर में ही इतना शोर हो और आपने कभी देखा ना हो, उस शोर को सुनने की कोशिश करेंगे। सारा ध्यान दोनों आंखों के सेंटर में, तीसरी आंख के बीच में, तीसरी आंख पे, वहां पर एक वाइब्रेशन, एक एहसास, जैसे किसी ने अभी हाथ लगाया हो, ऐसा एक स्पर्श। इस तीसरी आंख से एक रोशनी निकलती हुई कहीं बाहर जा रही हो, उसमें ये धुन चल रही हो, उसमें आपकी सांसें हो, उस रोशनी के साथ में आपकी सोल इस तीसरी आंख से निकलती हुई और दूर जाती हुई आपके घर से बाहर, बाहर के पंछियों को, बाहर की हवा को महसूस करती हुई ये सोल, ये लाइट। दूर से पृथ्वी दिखाई देने लगी हो, पृथ्वी के तल से बाहर जाते हुए बहुत सारी और रोशनियां आपके साथ में हवा में जा रही हो, कहीं दूर एक अंधेरे में, गगन में, वहां पर होता हुआ ये शोर आपको सुनाई दे रहा हो। और ऊपर अनंत आकाश में कहीं दूर ट्रैवल करते हुए अपने आसपास की सारी रोशनियों को देख पा रहे हैं। बहुत अंधेरा हो, लेकिन ये छोटी 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 सोल्स आपके साथ में जा रही हैं, कहीं दूर, बहुत स्पीड हो लेकिन फिर भी बहुत धीरे,
नजर आती हूँ। दूर एक पिरामिड आपको दिखाई दे रहा हो, एक वाइट पिरामिड जिसमें बहुत लाइट हो। इतना प्रकाश कि कुछ दिखाई देना बंद हो रहा है। जैसे जैसे उसके पास जा रहे हैं, सूरज से भी तेज तेज रोशनी में लाइट अब प्रवेश करने वाली है। जितना आप उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पिरामिड उतना बड़ा होता जा रहा है। और उस पिरामिड के पास गए, और पास पिरामिड के चक्कर लगाने लगे, जैसे नीचे से आप स्टार्ट हुए हो गोल गोल, और इसकी चोटी तक आपने पहुंचना है, जैसे पिरामिड की तीसरी आंख में आपने जाना हो। आप चक्कर लगाते जा रहे हैं, पिरामिड के आसपास चक्कर लगाते हुए और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठते हुए और ऊपर उठते हुए पिरामिड के चारों तरफ चक्कर लगते हुए उसकी चोटी के पास पहुंचने ही वाले हो, और देखते हुए उसकी तीसरी आंख को उसमें प्रवेश करते हुए, जैसे ही उसमें प्रवेश किया, इतनी रोशनी जैसे उसके अंदर जाने के बाद सब दिखाई देना बंद हो गया हो, और एक अंधेरे में प्रवेश, जैसे एक डिवाइन शक्ति ने, किसी परमात्मा ने आपको अपनी गोद में ले लिया हो, अपने अंदर बसा लिया हो। इस पिरामिड से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी सोल रिसीव करती हुई, आपको वहां पर अपने डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हुई, आपके सारे दुख जो आज तक आपने भोगे हैं, उस सभी दुखों से आपको माफी मिलती हुई, जो आपने गलत कर्म किए हो उनसे आपको माफी मिलती हुई, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है। यू कैन सी योर हैप्पी, योर सैड, ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड फीलिंग ब्लेस्ड टू बी द पार्ट ऑफ डिवाइन। आप उस डिवाइन का पार्ट होते हुए डिवाइन आपको ब्लेस कर रहा है कि अब कोई दर्द, कोई दुख, कोई पीड़ा इस जीवन में नहीं है। आई एम विद यू ऑलवेज एंड विल रिमेन विद यू ऑलवेज। कोई भी दुख, कोई भी गलत कर्म आपने किए हो, उनको याद करते हुए, उनसे मोक्ष की प्राप्ति लेते हुए, जो हो गया वो हो गया, अब आगे इस जीवन को बहुत अच्छा, बहुत सुखी बनाने के लिए ये डिवाइन आपको आशीर्वाद देता हुआ आपको ब्लेस करता हुआ, आज के बाद आप जिसके साथ में काम करोगे वो खुश, आपका परिवार खुश, जो चाहिए जीवन में वो मिलेगा। दूसरों के प्रति भी ऐसी ही भावना रखो, जिनके पास ये डिवाइन नहीं है उनके प्रति
ये भावना, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखो, ऐसा डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आप हमेशा इन गलत कर्मों के चक्कर में पड़ के फिर से दुख के भागीदार ना बने। जो होना था वो हो गया, अब के बाद का जीवन बहुत सुखी रहे, ऐसा प्रसाद आपको वो डिवाइन देता हुआ। यू आर फीलिंग जस्ट हैप्पी ब्लेस्ड। वहां से बाहर निकलते हुए फिर से उस अंधेरे की तीसरी आंख से बाहर आते हुए फिर से एक प्रकाश को दूर से देखते हुए और जैसे एक रस्सी से उस डिवाइन ने आपको कनेक्ट कर लिया हो और आपका दूर जाने का मन नहीं हो रहा और ये डिवाइन आपको ब्लेस करता हुआ कि जाना है और आप दूर होते जा रहे हो पर मन नहीं है अपने सारे पीड़ाओं को वहां छोड़ते हुए। You are just relaxed and happy. दूर होते हुए और दूर और दूर, जैसे एक रस्सी अभी भी उस डिवाइन के साथ में कनेक्टेड है और फिर से उल्टे चक्र लगाते हुए उस पिरामिड के। मन नहीं कर रहा वापस आने का लेकिन उस पिरामिड के उल्टे चक्र लगने स्टार्ट हो गए हो और वो रस्सी से आप अभी भी डिवाइन से कनेक्टेड हो, उस प्रसाद से जो आपने ग्रहण किया, उस खुशी से आप हमेशा कनेक्टेड हो। घूमते हुए नीचे आए, थोड़ी दूर और दूर उस ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए हमेशा उस डिवाइन के साथ में कनेक्ट रखने का वादा करते हुए, कभी किसी का बुरा ना करने का वादा करते हुए, उन विद्याओं से दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करने के लिए, किसी को दुख ना पहुंचाने के लिए, किसी से पैसा ना लूटने की कसम खाते हुए ताकि मैं कभी दुख का भागीदारी ना बनूं, ये सोचते हुए इस डिवाइन के प्रसाद को सारी दुनिया से बांटेंगे, ये कसम खाते हुए जो भी आपने सीखा है दूसरों की हेल्प करेंगे, ये कसम खाते हुए दूर होते हुए और दूर और दूर और दूर, फिर से आपको बहुत सारी सोल्स दिखाई देती हुई जो आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं और इस धरती के शेल में झटके से एंटर करते हुए नाउ यू कैन सी द अर्थ। यहाँ पर चहकते हुए पंछी, पेड़ पौधे, ये खुशियां, जैसे संसार में वाकई में दुख तो है ही नहीं, सिर्फ खुशियां हो और पास ऊपर से अपने घर को देखते हुए जैसे घर बहुत दूर हो लेकिन फिर भी स्पीड बहुत तेज हो। और पास दूर से घर दिखाई दे रहा है, फिर से एक नए जन्म इस शरीर में जाने की तैयारी करते हुए तीसरी आंख पर जहां से रोशनी निकली थी वहीं पर स्पर्श करते हुए एंड यू कैन फील द वाइब्रेशंस ऑन योर थर्ड आई। वो पेन, वो वाइब्रेशंस आपकी तीसरी आंख पर होता हुआ, थर्ड आई चक्रा पर होता हुआ, You can feel the blessings of God. जैसे यहां से एक रोशनी है जो अभी भी उस डिवाइन से हमेशा के लिए कनेक्ट हो गई हो, तो सारे प्रसाद के साथ में you can feel the vibrations on your body, जैसे उस डिवाइन ने आपको नया जन्म दिया हो, नई ब्लेसिंग दी हो। You can feel the vibrations on your face, on your shoulders, on your hands, on your whole body. और यही रोशनी आपकी रीढ़ की हड्डी से ट्रैवल करते हुए जमीन में जा रही है
और वो डिवाइन और माँ भू देवी आपके माध्यम से कनेक्ट होती हुई और ये आशीर्वाद देती हुई कि इसी श्रद्धा से, इसी भाव से जिस भी भूमि में आप कदम रखोगे, जिसका काम करोगे, उसका भला होगा. यू कैन फील द वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन ऑन योर बॉडी. जस्ट फील रिलैक्स एंड काम एंड एंजॉय दिस मोमेंट. Feel the blessings of love, happiness, care. बिल्कुल relaxed feel करते हुए, you can now feel your legs. अपने पैरों को feel करते हुए, अपनी lower body को feel करते हुए, अपने पेट को, अपने chest को, अपने हाथों को, अपनी शक्ल को अच्छे से फील करते हुए इस शरीर में पूर्णतः वापस आते हुए जस्ट रिलैक्स्ड एंड हैप्पी. दोनों हाथों को जोड़ेंगे, इनको रब नहीं करेंगे, जोड़ेंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे. जो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिली हो उनका सारा आशीर्वाद आपकी इस बॉडी में जाता हुआ और आपको हेल्दी और वेल्दी करता हुआ. अपनी पूरी बॉडी पर इन हाथों को फेरते हुए यू कैन कम बैक. जस्ट बी हैप्पी. बाहर जाएं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से प्यार से बात कीजिए. जिससे लड़ाई हो गई हो उससे प्यार से बात कीजिए. जैसे ईश्वर ने आपको आपकी सारी गलतियों के लिए माफ किया हो, ऐसे सभी को माफ करते हुए जस्ट गो एंड हग देम और उनको ये वादा कीजिए कि आप उनके साथ में हो और हमेशा रहोगे. अपने माँ बाप के साथ में वो हमेशा रहोगे, उनकी सेवा करोगे, उनके साथ रहोगे. इसको हग देम, लव देम, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव ताकि जिंदगी में सिर्फ खुशियां हो, कोई गम ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई मन में गलत भाव ना हो किसी के लिए. लाइफ इज वेरी गुड. जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है. जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है. जाकर प्यार करेंगे इंसान से, पेड़ पौधों से, पक्षियों से, जानवरों से, तो प्यार ही बरसेगा, प्यार ही मिलेगा. Life is all about love and happiness and spread love as much as you can. अपने हाथ में है खुशियां और फिर ईश्वर आपके साथ में होता है. बहुत सारे लोगों ने वाइब्रेशंस को फील किया होगा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन योर थर्ड आई, ऑन योर हैंड्स. ये वाइब्रेशंस उस प्रकृति की हैं, उस ईश्वर की हैं जो आपको ब्लेस करते हैं. पानी पी लीजिए. अब जो पानी आपने सामने रखा था उसको सिप सिप करके पूरा ले लीजिए, बिकॉज उसमें पूरी वाइब्रेशन है जो आपने इकट्ठी करी है. क्योंकि पानी में मेमोरीज होती हैं, वो आपकी बॉडी में जाएगा, इट विल ब्लेस यू. जब वापस आना हुआ तो अजीब वाइब्रेशन हुई, दुख हुआ. ऐसे सैडनेस नहीं आना चाहिए. और फिर हम मरने से डरते हैं. जस्ट एंजॉय योर एवरी बिट, एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ. जो भी होगा हो जाएगा. गलत सही कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ में पहली बार हो रहा हो. कभी ना कभी धरती पे किसी ना किसी के साथ में तो हुआ ही होगा.
just enjoy that phase of life. Always love your divine. कोई है ताकत आपके पितरों की, उस ईश्वर की, कोई भी ताकत है जो हमेशा आपके साथ होती है, उस पर यकीन रखिए, उस पर भरोसा रखिए और प्यार फैलाइए. जो बोओगे वो काटोगे. जितना प्यार फैलाओगे उतना प्यार मिलेगा. कोई गलत बोल भी देता है तो क्या फर्क पड़ता है? आप अच्छा बोलने की कोशिश कीजिए, आप प्यारा बोलने की कोशिश कीजिए. सर झुका लेंगे तो बड़े पेड़ कहलाएंगे, सर उठा लेंगे तो छोटा पौधा खुद के ऊपर है. एस्ट्रल ट्रैवलिंग कराते हो? हाँ, एस्ट्रल ट्रैवलिंग कराते हैं. एडवांस में करवाया था. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जिसको रोना आ रहा हो रो लीजिएगा. रोना भी नेचुरल है. ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि मेरे को रोना आ गया. ओके, जाओ रो लो, फिर मुंह धो लो, फिर अपने बच्चों के पास, अपने भाई बहनों के पास, अपने माँ बाप के पास, अपने दोस्तों के पास, और कोई नहीं हो तो पौधों के पास, पक्षियों के पास जाकर बैठिए, टाइम लगाइए, उनसे बात कीजिए, उनको हग कीजिए, उनसे प्यार कीजिए. मजा आया? इस एक्सपीरियंस को रोज करते रहिएगा. ऐसा ही एक और दो मेडिटेशन यूट्यूब पर हैं, उनको जाकर आप रोज सुन सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं. थोड़े बहुत मेडिटेशन अभी रिकॉर्डिंग प्रोसेस में है, हम लोग और डाल देंगे. करते रहिए, अपने आप से कनेक्टेड रहिए. और ये दो चार पांच मिनट का मेडिटेशन, लगभग आधे घंटे का मेडिटेशन बहुत रिलैक्स कर देता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है. हाथ ठंडे हो गए, किसी के गर्म हो गए होंगे, किसी को बहुत रिलैक्स फील हो रहा होगा, किसी को रोना आ रहा होगा, किसी को प्यार आ रहा होगा. ये ओके है, ये नेचुरल है. अपने आप से कनेक्ट होने की फीलिंग्स है, इसको एंजॉय कीजिए. डन. योर पेरेंट्स आर ग्रेट. आई एम ग्रेट. आई एम ग्रेट मतलब मैं बहुत blessed हूँ, not great. ये तो निकल गया मुँह से कि मुझे वैसे parents मिले. I am really blessed. और हर कोई blessed है जिनको, जिनके पास parents हैं. और वो बेकार हैं जो उनकी कदर नहीं करते, तो बेवकूफ हैं. उनके लिए कोई वास्तु काम नहीं करता, कोई astrology काम नहीं करती, क्योंकि वो कर्मों के दुख लिखवा के लेके आए हैं. Love your parents. जिनके हैं वो बहुत कीमती हैं. ओज ऊर्जा शक्ति दे, हे ईश बुद्धि ज्ञान दे, ऐश्वर्या धन संपदा दे, मान दे सम्मान दे. बहुत बढ़िया लिखा हर्षवर्धन जी. तीसरी आंख वाली जगह पर दर्द हो रहा है, अच्छी बात है, इट्स अ गुड साइन. ठंडी लग रही है, सर्दी लग रही है, भूख लग रही हो, सब अच्छे साइन है. जाओ टूट पड़ो अपनी नॉर्मल जिंदगी में. जस्ट बी हैप्पी, जस्ट बी कूल, लव योरसेल्फ. अपने आप से बहुत प्यार करो, खूब से भी ज्यादा. दुनिया पागल कहने लगे इतना. अपनी तारीफ खुद स्टार्ट करो और फिर मेरी तरह दूसरों से करवानी स्टार्ट करो. लव योरसेल्फ. लाइफ बहुत अच्छी है. और फिर दूसरों से भी प्यार करो, कोशिश करो दूसरों की मदद करने की जितनी कर सकते हो. पैसा ही मदद नहीं करवाता. आपके पास कोई ज्ञान होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको यहां कुछ मिला हो, आपको कहीं और कुछ मिला हो, वहां से लोगों को जोड़िए, लोगों के लिए काम कीजिए. जो भी आपके पास ज्यादा है उसको दीजिए. एक स्टोरी मेरे को याद आती है. मैं हॉस्टल में पढ़ा करता था, आई वॉज इन 11th क्लास. तो वहां पर एक पंडित जी होते थे जो उस हॉस्टल को संभाला करते थे, गार्ड कह लीजिए. वो पंडित जी की तनख्वाह, जब मैं 11th में था, इट वॉज 2009, पंडित जी की तनख्वाह कोई 2000 रुपए महीने की थी. एक सफेद कुर्ते पजामे में वो अपनी जिंदगी गुजारा करते थे. बहुत सॉफ्ट थे, बहुत दिल के धनी थे. मुझे उनकी कंडीशंस के बारे में नहीं पता था. मैरिड नहीं थे, उनका भाई नहीं था,
उसी की फैमिली को वो देखा करते थे। फैमिली बिहार में रहा करती थी। एक दिन मेरे किसी दोस्त के पास जूते एक्स्ट्रा हो गए, फट गए, तो हमारी आदत होती है हम फटी पुरानी चीजों को दान दे देते हैं। उसने भी दे दिए, पंडित जी को वो जूते दिए और पंडित जी बड़े खुश हुए उन जूतों को देखकर। पूरी जिंदगी चप्पल में निकाली थी, 2000 रुपए में से 1950 रुपए वो अपने घर पर भेजते थे बच्चों के खाने पीने के लिए, पढ़ाई के लिए। पंडित जी खुश हुए कि सर्दी में इस बार जूते पहनूंगा। अगले दिन मैं और मेरा दोस्त रस्ते में जा रहे थे तो वो जूते किसी भिखारी ने पहने हुए थे। हम लोग थोड़ा सा चकमा खा गए, रियल स्टोरी है ये बिल्कुल। दोस्त गुस्सा करने लगा, अरे इतना बड़ा हो गया उसको जूते नहीं पसंद आए, मेरे दिए हुए जूते, मुझे कुछ दिख रहा था कुछ अलग। मैं पंडित जी के पास गया, पंडित जी क्या हुआ, आपने जूते क्यों दे दिए? कहता बेटा देख मेरे पास कितना कुछ है, मेरे पास कुर्ता पजामा है, मेरे पास चप्पल है, मेरे पास हॉस्टल है, मेरे पास तुम लोग हो, मैं तुमसे कुछ मांग लेता हूं, तुम तो दे ही दोगे। उस भिखारी के पास कोई नहीं है, वो ठंड में मर रहा था, उसने वो उनको दे दिया। लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जस्ट लव योर लाइफ, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड लव। लाइफ बहुत सुंदर है, जो भी दुख आपके पास है वो निकल जाएगा, वक्त है निकल जाएगा। हमारे पास साइंसेज हैं, उनकी हेल्प लेंगे, अपने ईश्वर पर, अपने डिवाइन पर और खुशी पर भरोसा रखिए और मौज में रहिए। अगले सेशन में मिलेंगे अगले शनिवार को, और फिर 7वें 8वें सेशन के बाद आप लोगों का ये सफर खत्म होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशंस बहुत पसंद आए होंगे और आप लोगों की जिंदगी में चेंज आएगा ही, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लोगों की जिंदगी में चेंज आए तो दूसरों की जिंदगी में भला करने की कोशिश कीजिएगा, ब्लेसिंग दीजिएगा हर किसी को जो आपसे मिले, और जो नीडी हो उसको रास्ता दिखाइएगा कि जाओ जाकर सीखो और कुछ बनो और अपनी जिंदगी को अच्छा करो। हर घर में एक बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसको ये विद्या का ज्ञान, जो इसलिए टोकरे ना खाए क्योंकि उसके घर में कोई वास्तु बताने वाला नहीं है, कोई इसलिए टोकरे ना खाए क्योंकि वो भूल चुका है अपने ग्रंथों को, उसके पेरेंट्स भूल चुके हैं अपने ग्रंथों को, कोई इसलिए ठोकरें खाएगा आपका कोई भाई कोई बंधु, तो हम पे शर्म होनी चाहिए। जाइए प्यार फैलाइए, किसी को लगता है कि भाई तेरे को जरूरत है जाके सीख, उसको सिखवाइए। मैं कभी पैसा नहीं लूंगा सिखाने का इस वाले कोर्स को। कंसल्टेंसीज के लिए आप लोगों के आसपास के सहयोगी फ्री में रहेंगे जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, उन लोगों ने मुझसे वादा किया है वो पक्का करेंगे। आप लोग भी ऐसा कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए और अच्छे जीवन का निर्माण कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू यू ऑल। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विद व्हाटएवर यू नीड इन लाइफ। मैं जब भी काम आ सका मैं जरूर काम आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, लॉट्स ऑफ लव। बाय, सी यू। अगले शनिवार को मिलेंगे, पढ़ के जरूर आइएगा, तैयारी जरूर करके आइएगा और खुश रहिएगा। अगली बार जब आओ तो हंसते खेलते डांस करते हुए, किसी की शादी जब दिखे तो बिना सोचे समझे डांस कर लेना है, और किसी के घर में दुख हो तो बिना सोचे समझे किसी के जाकर गले लगा लेना है, उसका दुख साझा कर लेना है, ये लाइफ है। थैंक यू वेरी मच, बाय, God bless you all. Bye-bye. See you on the next Saturday. Thank you very much. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.